लास्ट वाले वीडियो में हमने बात की कैसे मैंने $413 की सेल की है विद द हेल्प ऑफ फ्री मेथड, जो कि इंस्टाग्राम है, और जो आधी सेल है उसकी $413 में, मतलब $200 के लमसम की, वो एक पेड एडवर्टाइजमेंट मेथड से की है जिसका नाम है यूट्यूब एड्स। एंड गाइस, यूट्यूब एड्स में मैंने कितना बजट लगाया, कैसे रन की और कैसे आप लोग कर सकते हो, सारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को देखना, उससे पहले जरूर जाके वो वाला पार्ट वन भी देख लेना जिसमें मैंने इंस्टाग्राम से कैसे फ्री में आप अर्न कर सकते हो वो भी बताया है। एंड गाइस, उस वाले वीडियो को देखने के बाद इस वाले वीडियो पर जब आप आओगे तो जो पेड एडवर्टाइजमेंट मेथड है YouTube एड्स, वो भी आपको सीखने को मिल जाएगा, और इस वाले मेथड से होपफुली आप भी अपनी पहली एड रन कर पाओगे कम से कम बजट में। तो गाइस, जो बजट है वो भी मैं बताने वाला हूं। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को बेल आइकन को दबा देना, जैसे नया वीडियो आएगा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। मेरा नाम है यश पांडे, यू आर वॉचिंग एफिलिएट मास्टर, लेट्स गेट स्टार्टेड, कम ऑन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें एक ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना होगा जिसको हम YouTube एड्स पे चलाना चाहते हैं। और YouTube एड्स बेसिकली होता क्या है, उसको मैं बता दूं। जब भी आप YouTube पे कोई भी वीडियो देखते हो, फॉर एग्जांपल ये वीडियो भी देखा होगा, तो शायद कोई ऐड आई होगी बीच में। ये एड्स जो आती हैं वो जो प्रमोशंस कोई भी करता है, मतलब एडवर्टाइज़र, मतलब कोई ब्रांड हो सकता है या फिर आप पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, जैसे कि मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन कर सकता हूँ आज, तो ज़रूरी नहीं मुझे उस ब्रांड का ओनर होने की ज़रूरत है या मार्केटर होने की ज़रूरत है। अगर मुझे उससे कुछ बेनिफिट हो रहा है तो मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट चला सकता हूँ। उसके लिए थोड़ा बजट चाहिए और कैसे ऐड बनाते हैं वो आना चाहिए। तो गाइस, ऐसे यूट्यूब पर जितनी भी एड्स आती हैं वो इसी तरीके से चलती हैं, और उन्हीं की मदद से मैंने जो सेल की है $200 की, जो कि लगभग अगर हम लोग इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो $200 कितने का होता है, अगर एक दिन की अर्निंग है ये तो $200 लमसम होता है 15,000 रुपये की अर्निंग। तो 15,000 रुपये की जो मैंने अर्निंग की है, अब इसमें कितना बजट लगाना है आपको और कैसे ऐड चलानी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रोडक्ट चूज़ कर लेना है। तो प्रोडक्ट चूज़, जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप कोई भी प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हो, बट ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना है जिसका यूट्यूब वीडियोज़ आसानी से मिल जाए या फिर उसके लैंडिंग पेज में ही उसका यूट्यूब वीडियो हो। तो चलिए देख लेते हैं। और जैसे ही आप यहाँ आएंगे, साइड में कैटेगरीज हैं अलग अलग, इसमें से हमें स्पिरिचुअलिटी नीच में जाना है जहाँ हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलेंगे, और ये एक प्रोडक्ट है। एंड लेट्स सी इनके उसमें YouTube वीडियो है कि नहीं, तो एफिलिएट पेज पे जाके देख लेते हैं थोड़ा। ओके, लॉग इन कर लेते हैं जल्दी से। ओके, पिक्सल्स, बैनर, ईमेल्स, होप लिंक, इसमें आई थिंक वीडियो नहीं है। ओके, तो ये वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं कोई भी, वेल्थ मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। अब YouTube में देखते हैं कि ऐसा कोई वीडियो है या नहीं है। तो वेल्थ मैनिफेस्टेशन, तो जैसे हमने सर्च किया आई एम रिच मनी मैनिफेस्टेशन, तो काफ़ी ऐसे वीडियोस हैं, बट पता नहीं उस वाले प्रोडक्ट का कोई भी रिलेटेड वीडियो हो या नहीं। तो हम ऐसे कोई प्रोडक्ट देखते हैं जिसके ऑलरेडी वीडियोस हमें मिल जाएं आसानी से। तो सेकंड प्रोडक्ट पे जाते हैं, सोलमेड स्केच का प्रोडक्ट है, ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, इसके ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस हैं यूट्यूब पे। न्यूमरोलॉजी रीडिंग, इसको भी आप चूज़ कर सकते हो। चलिए नीचे चल के देखते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी सोलमेड स्केच का ही ले लेते हैं, काफ़ी बार हम लोगों ने इसका एग्ज़ाम्पल देखा है, फिर से चलिए देखते हैं। और सोलमेड स्केच के वीडियोस हमें इसमें भी आसानी से मिल जाते हैं। तो सोलमेड स्केच, तो देखिए ये वीडियोस हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये लिंक ले ली, इसको कर लिया कॉपी, और फिर हमें जाना है गूगल एड्स में। आपका लैंडिंग पेज भी बना होना चाहिए, मतलब लैंडिंग पेज पहले से बना के रख लेना, लैंडिंग पेज का इस्तेमाल ही करना है आपको गूगल एड्स में, मतलब जो भी यूट्यूब ऐड बना रहे हो उसमें। विदाउट लैंडिंग पेज अगर आप ऐड रन करोगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और आपकी जो ऐड है डिसअप्रूव भी हो सकती है, और ऐड अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है, बिकॉज गूगल काफ़ी जल्दी ऐड अकाउंट ब्लॉक कर रहा है आजकल। उसके ऊपर एक वीडियो भी है पूरा कि क्या रीजंस हैं, जाके ज़रूर देख लेना, मैंने एक वीडियो बनाया है। तो हम यहाँ प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे। ओके ओके, न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेल्स पे कर सकते हो, लीड्स पे कर सकते हो, ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। स्टार्टिंग में मैं वेबसाइट ट्रैफिक को ही चूज़ करता हूँ एंड कंटिन्यू। एंड यहाँ पे सर्च ऐड परफॉर्मेंस मैक्स, हमें यूट्यूब ऐड चलानी है तो वीडियो पे क्लिक करेंगे एंड कंटिन्यू।
तो गाइस ये जो स्टेप्स हैं इनको ध्यान से देखना है एक एक करके, और हो सके तो इसको वीडियो को बार बार देखना ताकि समझ में आ सके। डिटेल में अगर सीखना है कि कैसे मैं एग्जैक्टली अपनी एड्स रन करता हूँ और कैसे लैंडिंग पेज बनाता हूँ, तो आप मेरी ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हो, एफिलिएट मास्टर ट्रेनिंग। नीचे आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर यहाँ स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, उस पर अगर आप व्हाट्सएप करोगे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू माई ट्रेनिंग्स, क्या क्या मैं सिखाता हूँ, कैसे मेरे स्टूडेंट अर्निंग करते हैं। एंड देन आपको क्या करना है, यहाँ पे कैंपेन का नाम देना है, तो अभी हम दे देते हैं। सोलमेंट स्केच प्रोडक्ट का नाम है, तो आप कुछ भी दे सकते हो, तो अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ ब्लैंक। एंड बजट, मैं अगर आपकी जगह होता, देखो बजट डिपेंड करता है कि आपके पास कितना रुपया है। अगर आपके पास है अच्छा खासा, तो आप 1000 रुपये से भी टेस्ट कर सकते हो, 2000 से भी, 3000 से भी। बट इन द स्टार्टिंग मैं 300 या 500 रुपये से ट्राई करता था, तो 500 मिनिमम लेके चलो, तो 500 करते हैं। यहाँ पे कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट कर सकते हो आप, या फिर यहाँ पे और भी कंट्री जोड़ सकते हो, ऑस्ट्रेलिया टारगेट। तो इस तरीके से हमें टारगेट करनी है अलग अलग कंट्रीज़। और यहाँ पे जो नेटवर्क्स हैं, इसमें ये ऑलरेडी पहले ये ऑप्शन आता था कि हम डिसलेक्ट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को, अब नहीं कर पाते हैं, ये कंपलसरी है सारी चीज़ों ऐड चलाना, तो इसको हम ऐसे का वैसे छोड़ देंगे। यहाँ पे कंट्रीज टारगेट कर सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑलरेडी है टारगेटेड। एंड देन यहाँ लैंग्वेज में इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ही लोग बोलते हैं वहाँ पे। एंड बाकी सेटिंग आपको छोड़ देनी है, और डिवाइसेस वगैरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, फ्रिक्वेंसी भी, तो ये सब आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है किस तरीके से आपको चलानी है। डेमोग्राफिक, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जेंडर सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल सोलमेट स्केच का प्रोडक्ट है, क्योंकि फीमेल्स ही ज़्यादा खरीदेंगी, तो मेल को हटा देंगे, अननोन को हटा देंगे, फीमेल्स को बना रहने देंगे। एंड यहाँ पे जो सोलमेट स्केच है, तो बेसिकली जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं वो तो खरीदेंगे नहीं, तो इनको भी हटा देंगे। इस तरीके से हमें टारगेट करना है। ऑप्टिमाइजेशन आप चाहो तो इसको ऑन रख सकते हो, गूगल अपने हिसाब से भी ऑप्टिमाइज़ करेगा आपकी ऐड। एंड एडवांस में जाके कीवर्ड्स ऐड करने हैं, तो जैसे कि हम सोलमेट स्केच को प्रमोट कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड जो भी मैच करते हैं उससे, लव, इस तरीके से सोलमेट, इस तरीके से आपको कीवर्ड्स डालने होंगे। और अब मैक्सिमम मैं बताता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 कीवर्ड्स डालना, और ऐसे अगर आप टेस्टिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कौन सा कीवर्ड आपको सेल ला के दे रहा है। अगर आपने इकट्ठे 20 कीवर्ड डाल दिए तो काफ़ी कीवर्ड्स पे इंप्रेशन और क्लिक आएंगे, और समझ में नहीं आएगा किससे सेल आई। तो अगर आपको पता रहेगा कि किस कीवर्ड से सेल आई, तो अगली बार ऐड बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप इसका यूज़ करोगे, तो काफ़ी जल्दी आप प्रॉफिटेबल एड्स बना पाओगे और कम से कम बजट में सेल ला पाओगे। तो जैसे 500 रुपये ऐड किए, तो 2 या 3 कीवर्ड्स पे ही हम लोग लगाएंगे सबसे पहले, तो अगर उनमें चांसेस हैं सेल आने के, तो आ ही जाएगी। जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा कैटेगरी है जिसमें ये प्रोडक्ट आता है, तो उसमें हम चूज़ कर सकते हैं इसको, लव कर सकते हैं, सोलमेट कर सकते हैं, और आप यहाँ पे जैसे कि स्केचेस भी सर्च कर, स्केचेस भी लगा सकते हो स्केच करके। तो ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, ऐसा नहीं कि मेरी इस ऐड को कॉपी करके आपकी सेल आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, कीवर्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, कैसे कीवर्ड्स काम करते हैं, और ऐसे कीवर्ड्स देखने पड़ेंगे जो कि अभी ज़्यादा सर्च रिजल्ट्स में हो। तो ये सब ट्रेनिंग्स आती रहेंगी इस चैनल पे, तो बने रहना, आपको आते मिलती रहेंगी ट्रेनिंग्स। एंड देन YouTube वीडियो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, तो जो वीडियो की हमने लिंक की ऐसे करके हम कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको वो लैंडिंग पेज है उसका लिंक डालना पड़ेगा। यहाँ पे कॉल टू एक्शन आप कर सकते हो, जैसे कि वॉच नाउ कर सकते हो। मैं प्रेफरेंस करता हूँ लर्न मोर पे करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज लर्न मोर मतलब कि आप और भी जो भी जानना चाहता है वो इस पर क्लिक करेगा और सीधे आपके लैंडिंग पेज पर पहुँच जाएगा। हेडलाइन आप दे सकते हो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड, जैसे कि ऑलरेडी आप जैसे कि इसमें ऑलरेडी अभी हेडलाइन कोई नहीं आ रही है, तो आप अपने तरफ से देना पड़ेगा। तो सोलमेट स्केच, इस टाइप से हेडलाइन दे सकते हो आप। लॉन्ग हेडलाइन इसमें भी आप ऐसे दे सकते हो, तो इसको अभी हम सोलमेट स्केच 2022, सोलमेट स्केच 2022, लेकिन ये मैंने सब में सोलमेट स्केच डाल दिया है, आपको नहीं डालना है। आपको सोचना पड़ेगा लॉन्ग हेडलाइन में क्या लिखना है, डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, ये सब आपको सोच के रखना पड़ेगा। पहले से एक प्लान तैयार कर लेना, जिसमें लैंडिंग पेज अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन, एड्स, सब कुछ होना चाहिए। और ये सब स्पाई भी कर सकते हो आप दूसरों की एड्स देख के, वो कैसे करना है आने वाले वीडियोज़ में मैं बताता रहूँगा। फिर जब आप ऐसे कर लो, डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन, सब कुछ ऐड कर लो, ओके,
तो बजट ऐड जैसे ही किया तो इस तरीके से आएगा और ये आपका जो कैंपेन है रिव्यू में चला जाएगा और जैसे ही रिव्यू होगा ये रन होने लगेगा। तो बेसिकली एक से अगर आपने मतलब एक से दो दिन लग जाता है रिव्यू होने में अगर आप पहली बार चला रहे हो ऐड, और अगर काफ़ी बार चला सकते हो फिर भी आपको 12 घंटे तो मान के चलो 12 घंटे बाद इंप्रेशन आने लगते हैं, और अगर फिर भी इंप्रेशन नहीं आए तो कीवर्ड्स आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो ये थी स्ट्रेटजी यूट्यूब एड्स की और इसको आपको टेस्टिंग करना है। अगर आप अच्छे कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे तो पहले या दूसरे दिन ही सेल आ जाएगी अगर अच्छे खासा आपने बजट लगा दिया। सो बेसिकली अलग अलग कैंपेन्स में ट्राई करता रहता हूँ। अभी सोलमेट स्केच का मैंने किया था जिस वजह से मैंने आपको सिखाया। अगर आपको इस टाइप के वीडियो अच्छे लगते हैं तो बने रहना मेरे इस चैनल पे, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, पीस आउट।